जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर दबाव बनता जा रहा है और हर रोज इनका सफाया भी होता जा रहा है। साथ ही इनके मददगार और छिपने के अड्डे भी सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रजौरी के थाना मंडी में 38 RR द्वारा मनियाल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का अड्डा ध्वस्त किया, जहां बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य सामान बरामद किया गया। जम्मू में आज कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कोविड 19 के मद्देनजर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर व अन्य दवाइयां वितरित की गयी। पूर्व MLC और BJP के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया मुख्य अतिथि थे। जम्मू में आज भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि BMS हर हफ्ते लगातार सरकार का विरोध करती रहेगी। सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार हर विभाग और संस्था को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है। पूरे देश में इसका विरोध होगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस DGP दिलबाग सिंह द्वारा आज प्लाज्मा स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया गया। ये कैंप जम्मू कश्मीर पुलिस और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सहयोग से लगाया गया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 300 पुलिसकर्मी कोविड-19 महामारी से रिकवर कर चुके हैं और वो वॉलंटेरिली अपना प्लाज्मा दान करेंगे। जिला रियासी के माहौर के लोअर बग्गा क्षेत्र में कार एक गहरी खाई में गिर गयी। इसमें 3 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह हाल ही में खरीदी गई नई कार में तीनों भाई घूमने निकले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने की। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में वायुसेना की भूमिका की जमकर तारीफ की और कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है। देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में काम कर रही ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स के साथ उनको तैयार करने वाले देश का नाम भी सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला डोडा ने आज सभी बार्बर शॉप्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। सरकारी आदेश के अनुसार कोई भी बार्बर शॉप खुली मिली तो कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बार्बर शॉप्स के दुकानदारों ने बताया कि इस कोविड-19 महामारी ने उन्हें भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने 5 लाख नए घर बनाने का सपना दिखा रही है। अगले 5 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कैसा संभव होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में रिहायशी कॉलोनियां बनाने वाली जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड तो है, लेकिन यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर और सचिव पद के पद खाली पड़े हैं। कश्मीर घाटी में नशे के खिलाफ अपने अभियान में तेजी लाते हुए बांडीपुर पुलिस ने 15 कनाल जमीन पर लगी भांग की खेती को तबाह कर दिया। वहीं पुलिस ने सोपुर में नशीले पदार्थों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकास को तेजी देने में अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की कमी बाधा बन रही है। इस समय लद्दाख में काम का सीजन है, ऐसे में 251 फील्ड अधिकारियों की कमी के कारण जमीनी सतह पर विभागों में प्रोजेक्ट्स को तेजी देने की राह में मुश्किल आ रही है। जम्मू के हालात भी कोरोना वायरस महामारी से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कई जम्मू के इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसी क्रम में तालाब तिल्लो में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया है और आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जिला साबा के विजयपुर के गवर्नमेंट एक्सीडेंटल अस्पताल विजयपुर में स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। नर्स को फौरन जम्मू रेफर कर दिया गया है, बाकी स्टाफ की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं कुछ समय के लिए अस्पताल को बंद कर दिया गया। अस्पताल में सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है।